फ्रेंड्स, मेरे चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा में आप सबका स्वागत है। आज मैं विंटर सीजन में लेके आई हूँ बहुत सारी सब्जियों के साथ वेजी लोडेड पास्ता। चलिए शुरू करते हैं। वेजी लोडेड पास्ता बनाने के लिए मैंने पानी बॉईल कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको एक बार मैं चला दूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी अब पास्ता। मैंने दो तरह के पास्ता लिए हैं, एक ये एल्बो और एक ये ट्विस्टर। एक कप पास्ता मैंने टोटल लिया है। मैं इसे अच्छा से स्टेयर कर ले रही हूँ। हमारे पास्ता बॉईल हो गए हैं, अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी। मैंने 5 मिनट्स इसे हाई फ्लेम में पकाया है। मैंने इसकी बॉइलिंग स्टॉप करने के लिए इसे ठंडे पानी से धो लिया है। अब हम इस सबका सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए मैं लूँगी 1 टीस्पून बटर, 100 ग्राम। जैसे ही हमारा मेल्ट होगा मैं इसमें डाल दूंगी वेजी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का ऑनियन। गाजर मैंने इसमें डाल दी है, बीन्स। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च। मैंने सारी सब्जी बहुत बारीक काटी है और 1 ग्रीन चिली। मैंने सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। हमें सब्जी अच्छा से सॉटे करनी है। सब्जी हमारी स्मूथली पक जाए इसलिए मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ा सा पानी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून गोलकी पाउडर। और ये जब तक पानी पूरा सूख जाएगा हमारी सब्जी भी अच्छा से पक जाएगी। हमारी सब्जी थोड़ी सी पक गई है। हमें सब्जी हल्की सी क्रंची चाहिए। अब मैं इसमें डाल दी हूँ मेयोनीज़। मैंने 1 चम्मच मेयोनीज़ डाली है, 1 चम्मच पास्ता सॉस डाला है। पास्ता सॉस मैंने 1.5 चम्मच डाला है, 1.5। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा टमाटो केचप, इसी चिली फ्लेक्स। सॉस इसमें अच्छा से मिलाकर मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी पास्ता जो हमें बॉईल करके रखा था। मैंने पास्ता सॉस में अच्छा से मिला दिया है। अब मैं इसमें ग्रेट कर दूंगी चीज़। मैंने प्रोसेस्ड चीज़ ली है। मेरे वेजी लोडेड पास्ता अब रेडी है सर्व के लिए। चलिए सर्व करते हैं। मेरे वेजी लोडेड पास्ता रेडी है अब सर्व के लिए। ये विंटर आप फुल वेजीज के साथ ये पास्ता बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगी अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।